नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आपको सीधे लिए चलते हैं नीमच, जहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो आप देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नीमच में इस वक्त मोहन यादव मौजूद हैं और देखिए रोड शो में भारी भीड़, कार्यकर्ताओं के साथ साथ आप देख रहे होंगे कई ऐसे नेता भी हैं जो मौजूद हैं। इससे पहले मोहन यादव कांग्रेस के गढ़ में थे, एक दिन पहले ही छिंदवाड़ा बालाघाट का दौरा उन्होंने किया था और आज वो नीमच में है। नीमच में भी वो रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मोहन यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं। मोहन यादव इस वक्त नीमच में मौजूद हैं, रोड शो में मौजूद हैं। रोड शो देखिए आप, ये तस्वीर भारी भीड़ कार्यकर्ताओं की यहां पर नजर आ रही है और इसके साथ ही रोड शो में कई लोग पहुंचे हैं। तो नीमच से ये सीधे तस्वीर रोड शो और आभार जताने के लिए। आभार यात्रा है ये, सीएम की जन आभार यात्रा, मुख्यमंत्री की तरफ से आभार व्यक्त किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा था उन्हें जब वो पहुंचे थे छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के साथ साथ बालाघाट वो पहुंचे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये रोड शो, सीधी तस्वीर लोकसभा चुनाव की 29 सीटों पर जीतना है और इसीलिए जीत दर्ज करने के लिए लगातार जनता का आभार व्यक्त करते हुए तो नीमच में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री की जन आभार यात्रा में भीड़ उमड़ी हुई है काफी ज्यादा। हालांकि जो टारगेट है वो काफी बड़ा टारगेट है कि 29 की 29 जो लोकसभा की सीटें हैं उनको, उन पर जीत हासिल करना है और इसीलिए इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार मोहन यादव को आप देख रहे हैं। बीते कई दिनों से जहां वो अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और एक बार फिर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं नीमच में डॉक्टर मोहन यादव जो कि रोड शो कर रहे हैं और साथ ही जनता का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बंपर जीत हुई थी, डॉक्टर मोहन यादव का आज नीमच दौरा है। विशाल रोड शो की तस्वीर आप देख रहे हैं, रोड शो करते हुए वो नजर आ रहे हैं, उनके साथ कई लोग मौजूद हैं। जन आभार यात्रा में भी वो मौजूद हैं। आज का ये जो पूरा दौरा है वो बेहद खास है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त नीमच में मौजूद हैं और करीब 752 करोड़ की लागत के विभिन्न 20 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लाभ पत्र भी वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा दोपहर 3 बजे वो हेलीकॉप्टर से नीमच हवाई पट्टी से किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। उनके बेटे की शादी है और इसी सिलसिले में वो राजस्थान जाएंगे। यहाँ पर उनके बेटे की शादी में भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। कई बड़े अतिथि भी आज नजर आएंगे। तो एक तरफ तो जिम्मेदारी है लेकिन बावजूद इसके जनता का आभार व्यक्त करने के लिए मोहन यादव नीमच में मौजूद हैं इस वक्त और ये दौरा बेहद
खास माना जा रहा है नीमच का, मोहन यादव का, क्योंकि अगर नीमच की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे विकास कार्य हैं जिनकी शुरुआत मोहन यादव करेंगे और विकास कार्यों की शुरुआत करने के साथ ही अपॉइंटमेंट लेटर भी आज देते हुए नजर आएंगे। तो अवसर है, अवसर को जन जन तक फैलाना है, जनता के लिए आभार व्यक्त करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, जनता का आभार भी व्यक्त किया जा रहा है। तो नीमच सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर हमेशा से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत डाल दी थी, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान खासतौर पर नीमच में कई जगहों पर रैलियां रोड शोज करते हुए दिखाई दिए थे विधानसभा चुनाव में, और अब लोकसभा चुनाव के पहले डॉक्टर मोहन यादव को देख रहे हैं आप, मुख्यमंत्री जो कि मौजूद हैं। नीमच जिले की 3 विधानसभा सीटों मनासा, नीमच और जावड़ा पर 5 लाख से भी ज्यादा मतदाता है। 2013 के चुनाव में 4 लाख से भी ज्यादा यानी कि लगभग 76% मतदाताओं ने वोटिंग किया था, और आंकड़े बताते हैं कि तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख से भी ज्यादा यानी कि 46% तक और कांग्रेस को 1,12,000 के करीब, निर्दलीय उम्मीदवारों को 94,000 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 3,000, बीएसपी को 3,000 से भी ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन इसीलिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला कहा जाता है कि यहाँ ना केवल 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां बल्कि यहाँ की अपनी पार्टियां भी काफी ज्यादा महत्व रखती हैं चुनाव के दौरान। नीमच विधानसभा सीट पर अभी भाजपा का कब्जा है। इस सीट पर 25 नवंबर 2013 को मतदान जब हुआ था तो उस वक्त काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला हुआ था, और अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तो 2013 की बात करें तो भाजपा के जो दिलीप सिंह परिहार है उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी। 2008 की अगर बात करें तो भाजपा के ही खुमान सिंह शिवाजी ने जीत हासिल की थी। विधानसभा की जो तस्वीर है वो हमेशा से ही यहाँ की काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रही है क्योंकि वोटरों का मूड बहुत कम बदला है यहाँ पर। हालांकि इसीलिए भी जनता का आभार व्यक्त करने के लिए मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे हैं और वो धन्यवाद देते हुए जनता को नजर आ रहे हैं। तो इस बार निगाहें जो हैं वो कई लोगों की नीमच पर भी हैं, और हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जो नीमच की ओर अभी देख रहे हैं मौजूदा समय में, और ये कहा जाता रहा है हमेशा से कि नीमच जिला सत्ता और संगठन की धुरी भी रहा है। मध्य प्रदेश को 2-2 मुख्यमंत्री देने का गौरव समेटे नीमच जिला अब एक नए राजनीतिक समीकरण का भी गवाह बन रहा है, और इस वक्त जिले में 3-3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की पुत्र सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ये है कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी, दूसरे सुंदरलाल पटवा के पुत्र सुरेंद्र पटवा और वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पुत्र ओम प्रकाश सकलेचा। कुल जमा आने वाले 5 साल 3 मुख्यमंत्री पुत्रों के इर्द गिर्द यहाँ के विकास कार्य और राजनीति के घूमने के भी आसार नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ देखें अगर तो इसका राजनीतिक इतिहास जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि वोटर्स का जो मूड है वो कम बदला है, लेकिन जब भी बदला है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहा है। यहाँ पर नीमच को समेटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले डॉक्टर मोहन यादव उन तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं जहां पर बीजेपी को अपनी पूरी मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। उन जगहों पर आप देख रहे हैं भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र का एक ये शहर माना जाता है और राजस्थान राज्य के साथ अपनी पूर्वोत्तर सीमा साझा करता है। नीमच जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। इसके अलावा अगर बात करें अर्थव्यवस्था को लेकर तो नीमच को कृषि उपज मंडी के लिए जाना जाता है। यहाँ के निवासियों की आजीविका का मुख्य स्रोत है और एक अन्य आकर्षण केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी है यहाँ का। तो नीमच की जो प्रमुख आकर्षण केंद्र है
और यहाँ की जो पूरी आर्थिक पटरी है वो कृषि उपज पर आधारित है। तो यहाँ पर किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा रिझाना राजनीतिक दल किसी ना किसी घोषणा के जरिए करते हैं। इसके अलावा अगर जाने विधानसभा क्षेत्रों की, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। नीमच विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर अगर देखें हम, तो जो वोटर है उनका मूड मिला जुला रहता है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है, भारी भीड़ जिसे कह रहे हैं, और पूरे सड़कों पर आप देख सकते हैं इर्द गिर्द कार्यकर्ताओं से पूरा रोड शो जो है भरा हुआ। मोहन यादव कई कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के नीमच जिले को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव नीमच जिले के दौरे पर रहने के साथ ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। नीमच को विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। नीमच में आयोजित जन आभार यात्रा और विशाल रोड शो में प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद हैं इस वक्त, और साथ ही वो दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 752 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा लाभ पत्र भी वितरित किए जाएंगे। नीमच में मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों द्वारा विकास गतिविधियों, उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित वृहद प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। इससे पहले सुबह आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में एक मार्च को होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में तैयारी कर बैठक ले रहे थे, और अब वो यहाँ पर पहुँचे हैं नीमच में। नीमच में वो कई विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे, साथ ही लाभार्थियों को वो पत्र भी देंगे। चुनाव परिणामों की अगर हम बात करें नीमच की, तो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से आपकी याद ताज़ा कर देते हैं और बताते हैं कि अब तक के चुनाव के परिणाम कैसे रहे हैं। विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट है ये नीमच, जहां 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने ही जीत दर्ज की थी। इस बार नीमच विधानसभा सीट के परिणाम काफ़ी ज़्यादा अहम होंगे। जब लोकसभा चुनाव होंगे तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाते हैं। दिलीप सिंह परिहार ने जीत दर्ज की थी, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उमराव सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा गया था कांग्रेस की तरफ से, और इसी तरह बीते भी चुनाव में अगर हम देखें तो 2018 में भी दिलीप परिहार ही प्रत्याशी थे। 2013 में भी दिलीप सिंह परिहार प्रत्याशी रहे नीमच से भाजपा के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो। लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो अभी काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है लोकसभा का भी चुनाव। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, फौरन हाजिर होंगे।